हमारे प्रोग्राम में सलीम भाई जो बातें हो रही हैं ना वो खिलाड़ियों तक भी पहुंच रही हैं। हम लोगों ने यहाँ इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद एक बात की थी जिसमें इंडिया था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है, वो भी अर्शदीप सिंह कैसे कर पा रहे हैं। इसलिए कि जी दिमाग तो हम जरा जरूर अपना खोल लेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि जी इसने ये कहा है कि इंदमामुल ने पहले सेमीफाइनल के अंदर बल्कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था इंडियन टीम के ऊपर, अर्शदीप सिंह के ऊपर, कि उसको रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही है। फिर रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर इंदमामुल को उसकी पूरी की फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान में टीवी चैनल पे बैठ के शायद के जो उनकी टीम अच्छा नहीं कर सकी उसकी फ्रस्ट्रेशन है या कोई जेलसी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। और अब उन बयानात की जो बाज गश्त है वो रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाली थी वहां तक भी पहुंच चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक को रोहित शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई दिमाग खोलो, यहाँ पे ड्राई कंडीशन है, धूप इतनी पड़ रही है, सबका रिवर्स स्विंग हो रहा है, सिर्फ अर्शदीप का तो नहीं हो रहा। ये मफहूम मैंने बताया जो रोहित शर्मा ने इंज़मामुल हक को कहा। इस पर इंज़मामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है, बल्कि इंज़मामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक जो दो इकट्ठे बैठे हुए टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है जहाँ पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। दोस्तों, इंज़माम उल हक ने एक बार फिर से रोहित शर्मा के बात पर अपना जवाब दिया है और बहुत ही घटिया सोच रखने वाला इंज़माम ने क्या बोला जिससे पाक मीडिया काफी गुस्से में है, आप वीडियो देखें। दूसरी चीज है कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है, जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ। जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। सो मैंने वैसे जो जिसने ये सवाल किया था कि जी बॉल से छेड़छाड़ कर रहे, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, वो उसने गलत सवाल पूछ लिया। मैंने अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो इनसे 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें, और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, क्योंकि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जिसमें अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें, वो इन तो सिर्फ दिमाग का कहना। हाँ। मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेंगी। सलीम भाई, रोहित शर्मा की जो एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस को लेके, वेदर को लेके, इन सवाल किया कि जनाब आपकी रोहित शर्मा से कि टीम की परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन इंज़माम कह रहे हैं कि आप कुछ टीम जो है गेंद से छेड़छाड़ी कर रही है कि जिसकी वजह से आप रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं। तो उसका जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने बोला कि जी दिमाग खुला रखना चाहिए, जो उसका अंदाज है कि क्या बोलूं मैं इस पे यार, अब क्या करना है इसका। फिर कि जिस तरह की कंडीशन है, धूप निकली हुई है, जिस तरह की ये पिचेस हैं, यहाँ पे बॉल ने रिवर्स स्विंग होना ही होना है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं हो रहा और ये सारी टीमों के लिए हो रहा है, और हम जिस कंडीशंस में खेल रहे हैं तो इट्स अ फैक्ट कि हो रहा है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ कोई स्पेशल इंडिया की टीम के लिए नहीं हो रहा, और ये मैच जिस कंडीशंस का, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा हिसाब किताब है। और उनका कहना था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये मैचेस नहीं हो रहे जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं, जिस तरह पे मैचेस जिस कंडीशंस में हो रहे हैं तो नेचुरल है कि ये हो गई होगा रिवर्स स्विंग, तो दिमाग ज़रा थोड़ा खुला रखना चाहिए। ये अल्फाज थे रोहित शर्मा के। अब फिर जिस टीवी चैनल में इंज़माम और सलीम मलिक साहब बैठे हुए हैं, वो एंकर जो फीमेल हैं, उन्होंने पूछा कि जी हमारा पहले तो बड़ा वही जो मैं आपसे बोलता था कि आप जितना इसको वेटेज देंगे उतना ही फिर ये बातें इस तरह की और भी होंगी। तो वो फीमेल एक्टर ने बड़े फ़ख्र से बोला कि देखें जी जो हमारे आप जो बात कर रहे थे वो वहाँ तक भी पहुँची है, खिलाड़ियों तक भी बात पहुँची है, और उनसे भी जो क्रिकेटर्स है साबिक उन्होंने रिवर्स स्विंग ईजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। ये मैं आपको इंज़माम हक का जो पॉइंट हुआ वो बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये मुझे भी पता है कि ड्राई कंडीशन है, धूप है, ये सब मैं भी क्रिकेटर हूँ, मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है जब तक बॉल के साथ छेड़खानी, मतलब उन्होंने फिर ये बोला, उन्होंने थोड़ी क्लेरिफिकेशन दी, उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अंपायर को आंखें खोलनी चाहिए और उनको देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर अंपायर आंखें खोल के खड़ा होगा तो उसको सब का सब पता चल जाएगा, और फिर उसको आंखें खुलेंगी तो अंपायर के दिमाग भी खुल जाएगा। और जो मुझे कह रहे हैं रोहित शर्मा कि मैं दिमाग खोलूँ, मुझे नहीं बल्कि जो फील्ड अंपायर खड़ा है
उसको आंखें खोलने की जरूरत है, और फिर वो जब वो आंखें खोलेंगे तो उनका दिमाग भी खुल जाएगा। ये मैंने उनका मफहूम बताया इंजमामुल हक ने जो कहा। उस पर सलीम मलिक की टेक ली गई। सलीम मलिक ने क्या कहा, उन्हें बोला कि इंडिया के तो फास्ट बॉलर हुआ ही नहीं करते थे, उनको तो स्पिनर्स हुआ करते थे जब हमारे साथ वो खेलते थे, और जब वो हमारे साथ खेलते थे हम इतना बुरी तरह से पटाई होती थी बॉल की, उस वक्त तो रिवर्स स्विंग नहीं होता था, अब रिवर्स स्विंग कैसे होता है। उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल के साथ छेड़खानी की जाए। ये छेड़खानी का लफ्ज़ सलीम मलिक ने यूज़ किया मगर इंजमामुल हक ने यूज़ नहीं किया। उन्होंने बल्कि क्लैरिफिकेशन भी दी कि मैंने ये नहीं कहा कि अर्शदीप जो है बॉल के साथ छेड़खानी करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अंपायर को आँख खोलनी चाहिए, ये इंजमाम ने ये कहा। मगर सलीम मलिक साहब ने यह कहा कि जब तक बॉल के साथ छेड़खानी ना की जाए, जितना मर्जी पुराना बॉल हो जाए, जितनी मर्जी ड्राई कंडीशन हो जाए, जितनी मर्जी धूप पड़ जाए, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता, ये सलीम मलिक ने कहा। और उन्होंने बोला कि ये हमें पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है, पूरी दुनिया को हमने सिखाया है, आप हमें मत बता दीजिए कि कैसे ये रिवर्स स्विंग हो रहा है और कंडीशन ये है और वो है। उन्होंने बोला ये सब चीज़ों को हमें पता है, ये मैं उनका कोट बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला है। फिर इंजमामुल हक ने उन्होंने बोला कि ये ड्राई कंडीशन और ये सब चीज़ें, मतलब उनका मफहूम ये था कि सब जगहों पर मैं भी खेल के आया हूँ, मुझे भी सब चीज़ों का अंदाज़ा है, बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अंपायर को आंखें खुली रहनी चाहिए। बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई दोस्तों, इंजमामुल हक ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अर्शदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है, और दूसरी तरफ ये भी हम ये मतलब जो उनका पैनल था वो ये बोलना ये चाह रहा था कि जब तक छेड़खानी ना की जाए बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, अगर आप ये कि नहीं कह रहे हैं कि छेड़खानी नहीं की, हम लोग को नजर नहीं है, ये कैसे कह सकते, कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हारिस रऊफ के ऊपर। यही सेम चीज फिर उनके लिए भी आती है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं जिस टीम ने उनके अगेंस्ट खेला, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो भी छोटी टीम नहीं है। अगर हल्का सा भी कुछ होता वो सबसे पहले इस चीज को बोलते, और दूसरी चीज 40-40 कैमरे लगे हुए आजकल के जमाने में, ये कैसे हो सकता है। इंजमाम क्या कहते हैं, इंजमाम कहते हैं रोहित शर्मा मुझे ना सिखाई रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया हुआ है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि रिवर्स स्विंग हमने पूरी दुनिया को सिखाई हुई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही भी है, लेकिन पूरी दुनिया को आपने बॉल टेम्पटिंग भी सिखाई हुई है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री अच्छी नहीं है। शाहिद खान अफरीदी किस तरीके से सेब की तरह बॉल टेम्पटिंग कर रहे थे खाते हुए, इंजमामुल हक की कैप्टनसी के अंदर ही बॉल टेम्पटिंग भी हुई है। और वो आपको एक मैच याद होगा जिसके अंदर इन्होंने अंपायर ने कहा कि मैं बॉल चेंज करूंगा, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, अंपायर ने कहा चले मैच खत्म, सामने वाली टीम जीत गई। इसी के साथ साथ वकार्ड यूनस ने भी बॉल टेम्पटिंग की हुई, काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बॉल टेम्पटिंग की हुई, लेकिन वो पुराना टाइम था, अब एक लेटेस्ट टाइम आ चुका है इस जमाने के अंदर। आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने ये काम किया था, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और एक तीसरे बंदे के साथ क्या हुआ था हम सब जानते हैं। इतना कुछ खतरनाक किस्म के जिसको कहते हैं ना जमाने में जी रहे हैं, और फिर भी आप इतने बड़े इल्जाम लगा के बॉल टेम्पिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता सबसे पहले इशू क्रिएट होते, ये मैं पहले भी मैंने कहा था गलत चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूँ गलत चीज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे क्यों कहते हैं। पहले जावेद मियांदा साहब ने एक बात उन्होंने कर दी कि मौत तो बरहक है, जिसको जब आने कभी भी आ जाएगी, चाहे इंडिया आए या इंडिया ना आए, मौत ने आना होगा तो आ जाएगा, मतलब इस तरह का उनका बयान था। उसके अलावा देखा जाए तो इंजमामुल हक के बयान आ रहे हैं।